यार अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंडीशन है, पहली बात कंडीशन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज चिल करो, कोई टेंशन नहीं है, अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार अभी मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे हम लोग ना जितने भी आइकन हैं ये सारे आप लोग दिख रहे हैं, ये सारे हम लोग हाइड करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से हाइड होते हैं, मतलब सिंपल सा तरीका है, ट्रिक है बस, एक छोटी सी ट्रिक भी नहीं है वैसे, है बस एक तरीका ये कि मैं इसको एक एक को पकड़ कर डिलीट कर दूँ, ठीक है। लेकिन ये तो एक काफ़ी ना मुश्किल काम है, मतलब और वापस कैसे कैसे लेके आएंगे, फिर रिसाइकल बिन में जाएंगे, वहाँ से हम लोग फिर निकाल लेंगे। तो ये तरीका एक ना नहीं सही तरीका, हम लोगों को सिर्फ हाइड करने हैं, उसके बाद जब दिल गया उसको वापस लेके आना है। तो ये काम हम लोग करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ, ये चेक करें ज़रा, ये गायब तो हो गया, ऊपर वाला डिलीट करता हूँ ये भी गायब हो जाएगा। लेकिन ये एक नहीं सही तरीका, हमें सिर्फ हाइड करने हैं, तो ठीक है। तो हाइड कैसे होते हैं वो भी आपको बताता हूँ, इसको कंटेंट वापस लेके आता हूँ। तो आपने ना माउस का राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें आप, ये माउस का राइट क्लिक, ठीक है। यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करना है, उधर से हम लोगों ने जाना है शो लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे है शो डेस्कटॉप आइकन्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये चेक टिक लगी थी, अनटिक हो गया, हमारे सारे जो भी डेस्कटॉप के आइकन्स हैं वो सारे गायब हो गए हैं। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, डेस्कटॉप बिल्कुल एम्प्टी नज़र आ रहा है। एक और चीज़ है कि आप लोग चाहें तो नीचे वाला जो टास्क बार है, मतलब ये नीचे जो टास्क बार है, डेस्कटॉप के आइकन तो गायब हो गए, लेकिन ये जैसे लाइन नज़र आ रही टास्क पर, इसको भी हाइड कर लो ताकि पूरा का पूरा ओपन हो जाए। तो टास्क पर की सेटिंग में जाएंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से ऑटो हाइड कर देंगे इसको, अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ से ये जो सेकंड वाली ऑप्शन है इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम जब ना हम नीचे जाएंगे ना, तब भी टास्क बार ओपन होगा, अदरवाइज टास्क बार भी गायब है। अभी चेक करो, स्क्रीन पूरी ना खाली हो गई है, ना डेस्कटॉप के आइकन्स हैं ना नीचे टास्क बार की लाइन है, नीचे जाएंगे फिर वो ऊपर लाइन आएगी, अदरवाइज ये सीन हो जाएगा। तो इस तरह ना आप डेस्कटॉप के वापस लेके आना, तो ये ले आएंगे, फिर उसी तरह जाकर उसको टिक लगा देनी है, जाके इसको फिर टिक लगा के गायब हो जाएगी, इसको फिर टिक करोगे तो ऑन आ जाएगी। तो इस तरह ना आप टास्क बार भी हाइड कर सकते हो, डेस्कटॉप के आइकन भी हाइड कर सकते हो। तो आपको एक ना एक अजीब सी लुक ना नज़र आएगी, कोई भी अगर नया बंदा आगे यूज़ करता है तो उसको यहाँ पर कुछ दिखेगा ही नहीं। इसके अलावा आप विंडोज़ वगैरह से सब कुछ ओपन कर सकते हो। तो यार यही था एक सिंपल सा मेथड, कैसे आप अपने डेस्कटॉप के जितने भी आइकन्स हैं उन सबको ना एक साथ हाइड कर सकते हो और कैसे वापस लेके आ सकते हो।